हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे हमारे देश के हर नागरिक का काम होता है। चाहे अमीर हो या गरीब, हर तबके के लोगों का उस डिपार्टमेंट से लेना देना होता है, और वह है बैंकिंग सेक्टर। यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में उन चुनिंदा सेक्टर्स में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं। यही कारण है कि हमारे देश में लाखों स्टूडेंट्स बैंक में जॉब की तैयारी करते हैं। वैसे तो बैंक में कई पोस्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा पोस्ट है जो हर स्टूडेंट्स को आकर्षित करता है, वह है बैंक पीओ। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने का सपना देखने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना बैंक पीओ बनने का होता है। ऐसे में बैंक पीओ की नौकरी करने वाले का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह जानना जरूरी होता है कि आखिर बैंक पीओ का काम क्या होता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे बैंक पीओ के काम और जिम्मेदारियां क्या होती है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप भी बैंक पीओ बनना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से और जानते हैं बैंक पीओ कौन होते हैं। दोस्तों, हमारे लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीओ का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बैंक पीओ कोई बहुत बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक पीओ कोई पोस्ट नहीं होता, बल्कि बैंक पीओ उस पीरियड को कहते हैं जिसमें बैंक पीओ एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट को बैंक के अंदर 2 साल तक अलग अलग काम करवा कर सिखाया जाता है। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट बैंक पीओ का एग्जाम पास करके बैंक ज्वाइन करता है तो उसे डायरेक्ट कोई पोस्ट नहीं दिया जाता, बल्कि उसे बैंक से जुड़े अलग अलग काम दिए जाते हैं, जैसे क्लर्क का काम, कैशियर का काम, लोन डिपार्टमेंट का काम। इसी तरह ज्वाइन करके अगले 2 साल तक उसे बैंक के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है ताकि वह बैंक से जुड़े हर काम सीख जाए। और जब वह 2 साल में सारे काम सीख जाते हैं तो फिर उन्हें बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर बैठाया जाता है। इसके बाद जानते हैं वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काम और जिम्मेदारियाँ। दोस्तों, बैंक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में 2 साल तक काम करने के बाद जब कैंडिडेट को असिस्टेंट मैनेजर के पद पर बैठाया जाता है तब जाकर उनका असली काम और जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। जब कोई प्रोबेशनरी पीरियड पूरा कर लेते हैं उसके बाद उनकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं और काम भी बढ़ जाता है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि असिस्टेंट मैनेजर तो सिर्फ बैठकर निगरानी करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर को सबसे पहले तो कस्टमर्स के हर दिन के लेन देन की जानकारी रखनी पड़ती है, यानी बैंक में हुए एक एक रुपए के लेन देन की रिपोर्ट रखनी होती है, क्योंकि उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी का चेक पास करना हो तो वह भी असिस्टेंट मैनेजर ही करता है। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट जारी करना, बैंक में कैश मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट मैनेजर की होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंक में कैश खत्म हो जाता है और फिर ग्राहकों को काफी तकलीफ होती है, इसलिए बैंक में कैश की कमी ना हो इसका ध्यान रखना भी असिस्टेंट मैनेजर की ही जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा बैंक के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए यह भी असिस्टेंट मैनेजर की ही जिम्मेदारी होती है। चाहे वह ज्यादा से ज्यादा सही लोगों को लोन देना हो या फिर उसकी रिकवरी करना, कुल मिलाकर बैंक के फाइनेंस से जुड़े काम की जिम्मेदारी असिस्टेंट मैनेजर की ही होती है। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर अपने अकाउंट से रिलेटेड समस्या लेकर आता है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट मैनेजर की ही होती है। इसके अलावा प्लानिंग, मार्केटिंग, लोन प्रोसेस एंड अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन सब की जिम्मेदारी भी संभालनी होती है। इसके अलावा किसी दिन बैंक के मैनेजर अगर बैंक में मौजूद नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी भी असिस्टेंट मैनेजर की ही होती है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि बैंक पीओ यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पद पर बैठने के बाद आगे प्रमोशन के कोई चांसेस हैं या नहीं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक यही है, करियर एंड स्कोप ऑफ बैंक पीओ। दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट बैंक पीओ की परीक्षा पास करके असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो उनके पास आगे बढ़ने की यानी कि प्रमोशन पाने का भी काफ़ी चांसेस रहता है। तो चलिए जानते हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर प्रमोशन पाकर किन किन पदों तक पहुंच सकता है। सबसे पहले डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर,
चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और लास्ट में जनरल मैनेजर। तो इस तरह से बैंक पीओ के जरिए असिस्टेंट मैनेजर बनने वाला व्यक्ति जनरल मैनेजर तक बन सकता है। और सबसे अंत में यह भी जान लेते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में आने का सपना देखने वाले हर स्टूडेंट्स जानना चाहता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी की जिम्मेदारी या पद बड़ा होता है तो उसकी सैलरी भी बढ़ती है। वैसे तो असिस्टेंट मैनेजर जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की सैलरी के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स इसे जानना चाहते हैं। तो दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी शुरुआत में 45 से 50,000 के बीच होती है। फिर जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है फिर प्रमोशन होता है, तो और उसके हिसाब से ही उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।